द एग्जॉटिक बर्ड फार्म महाराष्ट्र चैनल में आप सभी का स्वागत। बर्ड्स के बारे में हम हमेशा आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते हैं। आज ऐसा ही कुछ नया वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए। बर्ड्स के फेदर्स यानी कि उनके पंख क्यों जड़ जाते हैं और इसका इलाज क्या है, इस बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दो। हम आज बात करेंगे जो बजीज के फेदर्स होते हैं वो क्यों गिरते हैं। इसे फेदर्स फॉलिंग और पल्किंग भी कहते हैं, यानी कि परों का गिरना या परों का तोड़ना। जो परिंदे अपने पर खुद गिरा देते हैं या उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं, नोचना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा ये बर्ड्स क्यों करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। आप सभी जानकारी अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये ठीक कैसे किया जाता है या बचाया कैसे जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले रीजन होता है मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम का। जब हमारे बर्ड्स को पूरी तरीके से विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह नहीं मिलता है तो उनके पर कमज़ोर हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चों के पर मटकियों में गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं पूरी तरीके से पर, लेकिन जब मटकी से बाहर आने वाला होता है बच्चा तो उसके पर झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो एक तरीके से बिल्कुल गंजा हो जाता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि अपने केजेस या कॉलोनी के अंदर कैल्शियम ब्लॉक रखना होगा या समंदरी झाग रखना होगा ताकि बर्ड्स टाइम टू टाइम उसको खाते रहे। इसके अलावा हमने जो मल्टीविटामिन्स का कोर्स बताया था पिछली वीडियो में, उसे भी आप अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करवा सकते हैं। बर्ड्स खुद के ही पर नोच नोच कर तोड़ना शुरू करते हैं क्योंकि बर्ड्स में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो चुकी होती है, यानी कि जिन तरीके से इंसानों को डिप्रेशन होता है वैसे ही बर्ड्स को भी होता है। डिप्रेशन होने की पहली वजह यह है कि बर्ड्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है। तो आपको पॉसिबल है तो उनको सनलाइट की जगह रखिए या मल्टीविटामिन्स का कोर्स उनके लिए करते रहिए। विटामिन D3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक विटामिन D3 आप नहीं देंगे तब तक कैल्शियम देने का कोई फायदा ही नहीं है। कैल्शियम तभी काम करेगा जब बॉडी में विटामिन D3 होगा और ये विटामिन D3 कॉड लिवर ऑयल से होता है। उसके अंदर विटामिन D3 होता है जो हम कॉड लिवर ऑयल होता है उसका यूज़ हम बाजरे में उसे मिलाकर कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है ये हमने पिछली वीडियो में बताया है। आप इसका यूज़ करेंगे तो बर्ड्स डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, हेल्दी और सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों, आप अपने केज में देखते होंगे जो नेचुरल तरीके से पर गिरते हैं, छोटे छोटे पर होते हैं वो गिरते रहते हैं, तो ये नेचुरल होता है क्योंकि पुराने पर गिरते रहते हैं और नए आ जाते हैं। जैसे वो अपनी चोंच परों में डाल के अपने पर खुजाते हैं और उस टाइम एक दो पर गिर जाते हैं तो ये नेचुरली है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सभी बर्ड्स के साथ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि बर्ड्स को माइट्स हो जाते हैं या छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, लाइज भी हो जाती है उनको, जिनको जुए बोलते हैं वो भी बर्ड्स को हो जाती है। ये जो माइट्स और लाइज होते हैं ये बर्ड्स के पर काटना शुरू करते हैं, जड़ में उनका खून पीना शुरू कर देते हैं तो बर्ड्स के पर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो गिरते भी हैं। ये जो कीड़े वगैरह होते हैं ये गर्मी में बर्ड्स को लगते हैं, ये सारी प्रॉब्लम गर्मी में पसीने की वजह से होती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने बर्ड्स का केज खुली हवा में रखना है। उन्हें ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर वो अच्छे से खुली हवा में और कम टेम्परेचर में रह सके। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि नीम के पत्तों को पानी में उबालकर वो नीम का पानी आप बर्ड्स को नहाने के लिए यूज़ करवा सकते हैं और आप वो भी नीम वाला पानी स्प्रे बॉटल में लेकर बर्ड्स के ऊपर उस पानी से स्प्रे करें तो बर्ड्स के फेदर्स में जो माइट्स या कोई भी कीड़े हो वो निकल जाते हैं और उनके फेदर्स बहुत ही शाइनिंग और अच्छे होते हैं। ये हम हमेशा हमारे बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमने पाए हैं। इस नीम का भी वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं या उसकी लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है।
और लास्ट में हम आपको यही बताएंगे कि आपका जो केज है, आपकी जो बर्ड की कॉलोनी है, वो आप हमेशा साफ रखिए, उसकी सफाई हमेशा कीजिए। केज में जो पानी रखा होता है वो भी आप बार बार चेंज कीजिए। हफ्ते में एक बार आप केज की धुलाई करें, वो धोते समय आप पानी में डेटॉल मिलाएं और उसी पानी से केज धो दें। गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो बर्ड्स को पानी का स्प्रे करते रहे, ज़्यादा नहीं करना है स्प्रे, और उनको नहाने के लिए भी आप केज में हमेशा पानी रखें। गर्मी बढ़ रही है तो आप अपने बर्ड्स को ककड़ी वगैरह देते रहे, उनको पानी भी ताज़ा और साफ प्रोवाइड करें, मल्टीविटामिन कोर्स करें, उन्हें सिरप दे जो हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बर्ड्स को अच्छा डाइट करवाएं। ये सभी आप करेंगे तो आपके बर्ड्स के फेदर्स अच्छे रहेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।